पंजाब नेशनल की तरफ से आपको भी ये मैसेज आया। मेरे जो है मेरा एक अकाउंट है पंजाब नेशनल बैंक में, ऑनलाइन अकाउंट ओपन करवाया था, 3 महीने प्लस हो गए लेकिन अभी तक इसका डेबिट कार्ड रिसीव नहीं हुआ। वैसे मैंने वर्चुअल कार्ड एक्टिव कर लिया, यानी कि उसका एटीएम कार्ड का नंबर, सीवीवी नंबर मैं सभी देख सकता हूँ। इसके लिए सबसे पहले मैंने ब्रांच में गया था, क्योंकि ऑनलाइन प्रोसेस से जब अकाउंट ओपन किया था उसमें मैंने वेबसाइट चेक किया था, और ये जो है इनका वेबसाइट, मैं फोन बैंकिंग में जब लॉगिन किया लॉगिन नहीं हुआ, तो इस तरह का कुछ मुझे जो है मैसेज रिसीव हुआ है। इस मैसेज में लिखा है कि हमारा जो डेबिट कार्ड है ब्रांच की तरफ से प्रोसीड किया जा रहा है, यानी कि बना रहा है, और वो जो है ब्रांच मतलब एक्टिव कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन एटीएम कार्ड का डिस्प्लेस नंबर हमारे साथ जो है शेयर किया जाएगा। इस तरह का मैसेज इन्होंने किया है। लेकिन एटीएम कार्ड मेरा, मैं बता दूं, 3 से 4 महीने मेरे अकाउंट ओपन किए हुए हो गए हैं, 3 महीना प्लस हो गया, लेकिन अभी तक मुझे एटीएम कार्ड रिसीव नहीं हुआ है। मैंने 2 महीने पहले जब देखा कि एटीएम कार्ड नहीं आ रहा, मैं बैंक में जब गया था उन्होंने कहा कि सर 2 महीने बाद जो है आपके एटीएम कार्ड इंडियन पोस्ट के जरिए नहीं बल्कि हमारे ब्रांच से ही आपको लेना पड़ेगा। तो मैं ब्रांच जब गया 2 महीने बाद भी, लेकिन एटीएम कार्ड नहीं आया, तो मैंने वर्चुअल कार्ड एक्टिव कर लिया। वर्चुअल कार्ड काफ़ी आसानी से एक्टिव हो जाता है, इसमें आपको कुछ असुविधा के नहीं होते। फोन बैंकिंग में जाएंगे, लॉगिन करेंगे, वर्चुअल कार्ड के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, तुरंत ही मतलब इमीजिएटली आपको वर्चुअल कार्ड दिया जाता है। उस कार्ड से आप ऑनलाइन मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। मेरे उसमें जो 1000 रुपया मेंटेन बैलेंस डिपॉजिट किए हुए थे, तो मैंने उस पैसे को निकाले क्योंकि मैं इसे अकाउंट को बंद कर रहा हूँ। इस अकाउंट को बंद करने का अगर प्रोसेस जानना चाहते हैं, वो जो सिंपली बैंक जाके अकाउंट क्लोजिंग फॉर्म फिलअप करके आपको सबमिट करना है, आपका अकाउंट प्रॉपरली बंद कर दिया जाएगा। और अगर आपका भी इस तरह का कुछ मैसेज आया, तो हो सकता है आपको एटीएम कार्ड, मैं अभी जो है फिलहाल इसे बंद नहीं करूँगा, क्योंकि हो सकता है अगर डिस्प्लेस नंबर मेरे साथ शेयर किया जाए, डिस्प्लेस नंबर यानी कि ट्रैकिंग नंबर, जिससे हम अपने एटीएम कार्ड को ट्रैक कर सकते हैं कि वो इंडियन पोस्ट के जरिए आ रहा है, कि अब जो है इंडियन पोस्ट के जरिए डिस्प्लेस नंबर देता है, क्योंकि पंजाब नेशनल बैंक भी इंडियन पोस्ट के जरिए भेजते हैं। तो अगर आपका भी इस तरह का कुछ मैसेज आया है, तो हो सकता है आपको ब्रांचेज में भी मिल सकता है या इंडियन पोस्ट में भी, क्योंकि मुझे जो कहा गया था कि आपको ब्रांच में कार्ड लेके मतलब कार्ड जो है वो ब्रांच में रिसीव होगा, ब्रांच से आपको मिलेगा, इस तरह मुझे कहा गया था। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी जो जिस तरह का मैसेज है, इस मैसेज के माध्यम से हमें समझ में आ रहा है कि हमें जो है इंडियन पोस्ट के जरिए हमारे साथ नंबर शेयर किया जाएगा, उस नंबर के जरिए हमें ट्रैक करके मिलेगा। आई होप आपकी छोटी सी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।